गाइस प्रिपरेशन भी किए थे, नोट्स भी बनाए थे और बहुत सारा सैंपल भी सॉल्व किए थे, बट टर्म टू एग्जामिनेशन के बाद कुछ ऐसा हुआ कि मेरा रिजल्ट जैसे कि ये सेशन हमारा टर्म टू का चल रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट का टर्म टू एग्जामिनेशन आने वाले होंगे, या बहुत लोगों का चल रहा होगा, या फिर बहुत लोगों का कंप्लीट हो गया। जैसे कि मेरा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका एग्जामिनेशन कब से है। बहुत सारे बच्चे ऐसे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं कि भैया टर्म टू में फेल होने जा रहे हैं, मेरा मार्क्स कम आएगा, ये वो, मतलब बहुत सारे रोने टाइप का इमोजीज भी भेज रहे हैं। तो मैं आपको बताते हैं कि टर्म टू एग्जामिनेशन के लिए आप लोग इतना इंपॉर्टेंट नहीं थे, क्योंकि आप लोग जैसे कि सोच रहे हो कि 2 साल पहले रिजल्ट आता था और शायद रिजल्ट अभी भी आए। कोई आपको बताते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि इस बार कोरोना का सीन और पहले कुछ नहीं था, तो आप लोग ऐसा कुछ मत करो और जितना हो सकता है उतना प्रिपरेशन करो और अपनी तैयारी अच्छा से किया करो, तो आपका एग्जामिनेशन डेफिनेटली बहुत ही अच्छा जाएगा। ये टाइम है कि आप लोग बता दें कि कौन सा स्ट्रेटेजी आप लोगों को फॉलो करना है टर्म टू एग्जामिनेशन में। कोई आपको बता दें कि अगर आपका टर्म टू एग्जामिनेशन चल रहा है या फिर आने वाला है, तो कहीं अभी तक आप लोग जितना भी नोट्स बना रखे हो या फिर नहीं बनाया तो आप लोग नोट्स कम से कम बना लो और नोट्स से प्रिपरेशन करो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन आएंगे या फिर कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 9th या 10th क्लास में तो ऐसा ही होता नहीं है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन दो दिया है तो ही आ जाए। तो आप लोग नोट्स बनाओ, नोट्स से प्रिपरेशन करो और बहुत सारा अडियंस बुक का सैंपल भी मार्केट में आ चुका है, तो आप लोग वो परचेज कर लो। अभी तक आप सैंपल पर परचेज नहीं करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग सैंपल पर परचेज कर लो, क्योंकि आपका टर्म टू के सारे क्वेश्चन वहीं से आएंगे। सीबीएसई भी कंफर्म कर चुका है कि टर्म टू के सारे क्वेश्चन सैंपल पर से आने जा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से सैंपल पर परचेज कर लो और कोई आप अपना प्रिपरेशन करते रहो। और यही स्ट्रेटेजी है कि आप लोग टर्म टू का सैंपल पर सॉल्व करो, क्योंकि आप लोग जितना सैंपल पर सॉल्व करोगे आपका उतना ही माइंड क्लियर होगा। सर हम सैंपल पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर दोनों तरह का क्वेश्चन पेपर चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग नहीं देखो चैनल पर जाकर वॉच कर लो, आपका बहुत ही माइंड क्लियर हो जाएगा उस क्वेश्चन पेपर से और एग्जाम के लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगा। भाई आपको बता दें कि स्वीट ऑफ पेपर और डिजिट ऑफ मार्क्स कांट डिसाइड योर फ्यूचर। तो गाइस आप लोग इतना एग्जामिनेशन के लिए वरी मत करो और जितना हो सकता है बस प्रिपरेशन करते रहो, आपका एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा जाएगा और नेक्स्ट ईयर के लिए अपना प्रिपरेशन करोगे आगे, क्योंकि आपका स्कूल भी अब खुल चुका है, तो आप लोग आगे का प्रिपरेशन अच्छा करो। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और वीडियो को शेयर नहीं किया तो फ्रेंड में भी शेयर जरूर कर दीजिए, और टेलीग्राम पर जॉइन, टेलीग्राम में बहुत सारा हम टर्म टू का PDF अपलोड करते रहेंगे। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और मैसेज भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। We'll be right back.